डेफिनेटली देखे इम्प्रूवमेंट की हमेशा आपको ज़रूरत रहती है. जिस तरह का मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था एज ए बॉलर IL T20 के बाद, काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैं इंजरी के बाद आ रहा था. IL T20 अच्छा नहीं गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ था. लेकिन लास्ट कपल ऑफ गेम में जो कि मैंने एज ए बॉलर मोमेंटम लूज़ किया, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ. और मेरा मुझे लगता है कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है और होपफुली वर्ल्ड कप से पहले मैं वो जिस तरह हमारा पूरा पाकिस्तान चाहता है कि मैं एज ए बॉलर मैचेस जिताऊँ, डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को मैचेस जिताऊँ. ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन रहा, कुछ अप एंड डाउन भी रहे, उसके बाद मुल्तान के साथ जिस तरह आपकी टीम ने चेस किया और आप आगे पहले मैच खेलने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस पूरा शेयर करें, कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ पर आप कवर करेंगे. देखिए जिस तरह हमने स्टार्ट किया था पहले मैच के बाद, हमने वो मोमेंटम लूज़ किया, 3 बैक टू बैक मैचेस हारे थे, वो चीज़ थी. और कुछ ऐसे लैप्सेस हुए थे जिसकी वजह से हम टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन यही पार्ट ऑफ पार्सल है क्रिकेट का. ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आप छोटी छोटी गलतियाँ नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के लास्ट 2-3 मैचेस में हमने मोमेंटम पकड़ा, T20 टूर्नामेंट में आपको मोमेंटम की ज़रूरत होती है. और मुझे लगता है कि जो अच्छे टाइम में जो हमने एज ए टीम मोमेंटम पकड़ा है, उससे काफ़ी चीज़ें हमें पॉजिटिव साइंस. देखिए बिल्कुल बेहतरी आती है, जिस तरह का इब्रार आया या वो उस्मान नया लड़का आया, तो चीज़ें इब्रार का तो हमें पता था कि जिस तरह का वो है, हमेशा से टेस्ट मैचों में जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, एक मिस्ट्री स्पिनर है और T20 या PSL में बहुत अच्छा कर रहा है. ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि इतने ज़्यादा स्पिनर्स आ रहे हैं. दूसरा हमें थोड़ा प्लेयर्स को थोड़ी सपोर्ट भी है. अब जिस तरह के इब्रार है या उस्मान है, वो नए आए हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एक दो परफॉर्मेंस के बाद उनको बहुत ज़्यादा डीग्रेड भी कर देते हैं. तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा किसी भी प्लेयर्स को, चाहे वो इब्रार हो, चाहे जो भी स्पिनर हो, चाहे कोई भी बैट्समैन हो, हर प्लेयर को वो कंसिस्टेंट रन और कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है. मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं. जो भी परफॉर्मर हैं, जिस तरह इब्रार है, अब उसको लॉन्ग रन देना चाहिए, चाहे उससे अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि हमें बनाने पड़ेंगे प्लेयर्स. ऐसा नहीं है कि आपको बने बनाए प्लेयर्स मिलेंगे, तो प्लेयर बनाने के लिए आपको उनके फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है. और जिस तरह का हमें पता है कि इब्रार है या उस्मान है कि वो एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री में आप शायद इम्पेक्ट उस तरह अर्ली ऑन ना डाल सकें लेकिन बाद में डाल दें, या शायद आप अर्ली ऑन डाल दें बाद में ना डाल सकें, तो एक कंसिस्टेंट रन और कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए होती है प्लेयर को, तो वो देनी पड़ती है, तभी टीम्स बनती है.